जो फैट होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो मेनली ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होते हैं। ट्राइग्लिसराइड फैट क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड फैट ब्यूटान का एक मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग BH2OH CHOH और CH2OH ये ग्लिसराल का मॉलिक्यूल है। अगर इसमें एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ हो तो ये मोनोग्लिसराइड फैट, अगर दो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो ये डाइग्लिसराइड फैट, और थ्री फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो उसे ट्राइग्लिसराइड फैट कहते हैं। ये फैट कहाँ पहुँचता है आपको? जैसे हम लोग जो ऑयल घी बटर ये सब खाते हैं ना, उसी से ये फैट आता है। अब हम लोग देखते हैं इसका डाइजेशन किस तरह से होता है। डाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। तो फैट का जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड फैट है, जिसमें थ्री फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, एक ग्लिसराल का मॉलिक्यूल है और जिसमें थ्री फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। तो हमको ग्लिसराल के मॉलिक्यूल को और इन तीनों फैटी एसिड को क्या करना है? अलग अलग करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं बक्सल कैविटी। फैट डाइजेशन इन बक्सल कैविटी, बक्सल कैविटी में सलाइवा से होता है और सलाइवा में फैट डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो वो फैट डाइजेशन। दूसरा देखते हैं स्टमक। कार्बोहाइड्रेट सॉरी फैट डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये ऑप्टिमम इसका जो पीएच है जिस पर ये काम करता है वो है 4.5 और इस समय का पीएच कितना होता है 1.2 से 1.8 का। ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्यों है? गैस्ट्रिक स्टमक सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिक लिपिड पर रिएक्शन करता है इसलिए लाइपेज। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है? 4.5। स्टमक का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? 1.2 से 1.8 का। स्टमक में इसको अपना ऑप्टिमम पीएच नहीं मिल पाता है जिसके कारण ये इनएक्टिव रहता है, इसलिए इसको माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। इतना माइल्ड होता है कि इसका जो रिएक्शन है जो प्रभाव है वो पूरी तरह से निग्लेजिबल होता है, मतलब कि हमेशा इनएक्टिव स्टेज में ही रहता है। तो यहाँ पर भी फैट का रिएक्शन ये नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर भी नो फैट है। बक्कल कैविटी में भी फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है और स्टमक में भी फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टमक में फैट के डाइजेशन के लिए एंजाइम तो प्रेजेंट है गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड है, उसका जो रिएक्शन है एकदम ना के बराबर, उसको अपना ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए। हम लोग थर्ड देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडिनम में थ्री टाइप के डाइजेस्टिव डिशेस आपको मिलते हैं। एक आता है इसमें बाइल जूस जो लीवर से सीक्रेट होकर आता है, दूसरा आता है पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आता है, और थर्ड आता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इसमें जो फर्स्ट है लीवर का जो बाइल जूस है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, जैसे जो हम लोग फैट यहाँ पे कंज्यूम किए इस पर बाइल जूस रिएक्ट करता है और बाइल जूस फैट को क्या करता है? जो फैट का एक बड़ा ड्रॉप है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। इस तरह से
कंज्यूम ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे भी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में रहेगा। बाइल ड्यूज के रिएक्शन के बाद भी ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में रहेगा, इसका डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है इमल्सिफिकेशन हो रहा है। जो फैट का बड़ा ड्रॉप था, जैसे ये बड़ा ड्रॉप है, तो इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर दिया है। यहाँ पे जैसे हम लोग पानी में तेल की बूंदों को डालते हैं, उस तरह से ये फैट जो होता है वो बाइल ड्यूज में दिखाई देता है छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर बाइल ड्यूज क्या कर दिया, इमल्सिफिकेशन कर दिया, फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज कर दिया। अगर भी इमल्सिफाइड फैट होता है, इस पर पैनक्रियाटिक जूस से आया हुआ पैनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज रिएक्ट करता है और इसको चेंज कर देता है इसमें ग्लिसराल में, फैटी एसिड्स में और इसके मोनो ग्लिसराइड फॉर्म और डाइग्लिसराइड फॉर्म। सबसे पहले डिओडोरेंट में डाइजेशन के लिए बाइल ड्यूज रिएक्ट करता है फैट पर, और फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। यहाँ पे जो फैट का बड़ा ड्रॉप है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर दिया है, मीन्स जो हम लोग फैट कंज्यूम किए हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, यहाँ पे भी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही, मतलब तीनों फैटी एसिड क्या है ग्लूकोज में जॉइंट है। इमल्सिफाइड फैट पर पैनक्रियाटिक लाइपेज क्रिया करता है और उसको उस पर ग्लिसराल फैटी एसिड और कुछ मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। मोनोग्लिसराइड मींस क्या, ग्लिसराल के एक मॉलिक्यूल में एक फैटी एसिड जॉइंट है, मोनोग्लिसराइड मींस क्या दो फैटी एसिड जॉइंट है। तो यहाँ पे ये अलग भी कर देते हैं ग्लिसराल को, कुछ फैटी एसिड से भी अलग हो जाते हैं और उसके मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो 80% फैट है वो अपने सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है, जो 80% इमल्सिफाइड फैट है यहाँ पे उसको ग्लिसराल और फैटी एसिड में वो ब्रेक डाउन कर दिया है। बाकी जो 20% बचता है उसका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ईलियम, ईलियम पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्री पार्ट होते हैं ना, कौन कौन से, ड्यूडेनम, ईलियम और जेजुनम। तो ये ड्यूडेनम में 80% इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन हुआ है, बाकी जो 25% बचा हुआ है तो दोनों ग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड सबको मिले हैं, इसका डाइजेशन होगा। अब जो बचा हुआ हमारे पास क्या बचा है, दोनों ग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड फैट हम दोनों लिखेंगे, इस पर जो रिएक्शन है वो करता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल जो इसमें आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज पर क्या करेगा, बाकी जो हमारे पास 20% बचे हुए हैं मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स, इनको भी ग्लिसराल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। जो
मोनोग्लिसराइड फैट और डाइग्लिसराइड फैट जो होते हैं उन पर क्रिया करता है, उसको उसके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से फैट का डाइजेशन क्या है, कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और फैट डाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन।